मुल्तानी पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद भले ही दावा करे कि पुलिस महिलाओं के प्रति हुए अपराध में त्वरित कार्रवाई करके आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई करती है, वहीं मुल्तानी थाना में छेड़छाड़ की रिपोर्ट करने पर आरोपी पर धारा 25 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध करने का मामला सामने आया है। ग्राम ताईखेड़ा निवासी श्रीमती उषा धुड़की ने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि 13 जून 2022 को उषा धुड़की अपने काम से मजदूरी करने गई थी तथा उसका पति साहेबराव टेंट लगाने बाहर गांव चला गया था। घर पर उसकी दो नाबालिग पुत्री अकेली थी। नाबालिग पुत्री को अकेला पाकर ताईखेड़ा निवासी सहदेव पिता रतन बाल पेटे उम्र 50 वर्ष जाति किरार उषा घोड़की की 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब उसके उससे छोटी पुत्र ने देखा तो वो अपनी दादी को बताने गई। उसकी दादी आई और उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है, तो आवेदक ने दादी एवं नाबालिग पुत्री को जान से मारने की धमकी दी और कहने लगा कि किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, जिससे नाबालिग पुत्रिया एवं उनकी दादी डर गई। जब उषा घोड़की शाम को अपने काम से घर आई तो उन्होंने पूरी बातें उसे बताई। तब उषा धोड़की अपनी नाबालिग पुत्री को लेकर थाना मुल्ताई गई, जहां पर उसे रात के करीब 10 बजे तक के बैठाया गया। उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। उस समय एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा उषा घोड़की और उसकी नाबालिग बेटी को डराया तथा धमकाया गया और कहा कि तुम इसे भी अपने साथ काम पर ले जाया करो, और बिना रिपोर्ट दर्ज किए ही उन्हें वापस घर भेज दिया गया। उसके पश्चात उषा घोड़की पुनः थाने गई तो उसे बताया गया कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने 25 आर्म एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया है। तब उषा घोड़की ने कहा कि सहदेव ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है, आपने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं किया है, तो उसे भगा दिया गया। उसके पश्चात उषा घोड़की द्वारा अनेकों बार थाना एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुल्ताई को आवेदन प्रस्तुत किए, उन आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उषा घोड़की ने चर्चा में बताया कि सहदेव द्वारा उसे एवं उसके परिवार को जान से खत्म करने की धमकी भी दी जा रही है तथा वो 4-5 माह से अत्यधिक परेशान है। अब देखना यह है कि उषा घोड़की के द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जनसुनवाई में प्रस्तुत आवेदन पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या उसे वास्तविक में न्याय प्राप्त होगा भी या नहीं। उषा घोड़की, कहाँ रहती हो आप? ताईखेड़ा रहती हूँ। आज किस लिए आए हो बैतूल? मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, झूठी रिपोर्ट पेश की है कोर्ट में। कब हुई थी छेड़छाड़ ये? 13 जून को हुई थी। आपकी बच्ची की क्या उम्र है? 13 साल की। कहाँ रिपोर्ट करने गए थे आप? मुल्ताई थाने में। तो रिपोर्ट दर्ज की? नहीं करी। धाक दबाव दिया और हमारे से जबरदस्ती राजीनामा करने की दबाव डाला वो हमारे ऊपर। किन्ने दबाव डाला आपको? उनके परिवार ने भी, मैडम भी डांट रही थी हमें, आपकी लड़की को काम पे ले जाने को क्या होता, बोले आप देखभाल नहीं करती क्या, बोले सहदेव बार पेटे। कहाँ का रहने वाला है? मेरे पड़ोस में रहता है वो, मेरे घर के बाजू में। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी आपकी? वो नहीं लिखी सर, दूसरी रिपोर्ट पेश की है। क्या क्या रिपोर्ट करी उन्होंने? मेरी लड़की के खिलाफ मेरे को न्याय चाहिए। आपकी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ? हाँ, उसके खिलाफ मुझे न्याय चाहिए। शादी शुदा वाला है वो, 7 लड़की है उसकी। आपकी बच्ची की उम्र कितनी है? 13 वर्ष की। मुल्ताई से केसरी उजाला न्यूज के लिए गौरी गणेश बोलकर की रिपोर्ट।